हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुमल की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी मैदे और दूध से शक्कर पारे, तो कि मतलब बिस्किट की तरह, बिस्किट जैसे सॉफ्ट। तो यहाँ मैंने ये एक प्याला भर के मैदा लिया है, ये पूरा 500 ग्राम मैदा है। तो इसकी आधी शक्कर लूंगी और देखिए उसी के हिसाब से आधा प्याला मैंने शक्कर का लिया है। और आधा मैंने दूध लिया है। अब ये दूध शक्कर में डालूंगी। और यहां मैंने इलायची पीस के रखी थी, 8-10 इलायची, वो भी इसमें डालूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और ये कुछ धागे मैं डालूंगी केसर के, जो भी इस शक्कर के साथ घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, अच्छा कलर भी आ जाएगा। दूध मैंने गुनगुना लिया है इसमें, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा। अच्छे से घुल चुकी है दूध में। अब मैदा लगाएंगे इसमें। तो यहां मैंने 1 चमचा फुल भर के घी लिया है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये पूरा मुट्ठी नहीं बंध जाए, अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए, इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने मोइन अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब ये ऐसे मुट्ठी बंधने लग जाए तब अच्छे से मोइन मिक्स हो जाता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ डालने से गीला हो जाएगा। केसर और इलायची की बहुत मस्त खुशबू आ रही है इसमें। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बिस्किट की तरह बनेंगे, इतने मस्त मस्त। अब इसमें थोड़ा सा हाथों में घी लगा के मैंने कम से कम 5-7 मिनट तक इसको मला है। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालते डालते मल मल के 5 मिनट तक इसको मला है, क्योंकि वापस टाइट हो जाता है, वापस मलते हैं वापस टाइट हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मलाया अच्छे से। अब इसके बिस्किट बनाएंगे। ज्यादा ढीला होता है तो भी नहीं बनते हैं। और हद से ज्यादा टाइट हो जाए तो भी नहीं बनते हैं। ये देखिए ऐसा ही होना चाहिए। अब हाथों पे और फर्श पर तेल लगा के उसकी गोल लोई बना के बड़ी सी, और फिर इसके
बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लो ताकि इसके चिपके ना। गोल एक शेप में काटेंगे। गैस में ऑन कर देती हूँ। अब ऐसे गोल शेप में किसी ढक्कन की सहायता से ऐसे काट लीजिए। ऐसे काटना है गोल गोल। तो ये देखिए गोल गोल ऐसे ऐसे करके और फिर इनमें चाकू से ऐसे करना है ताकि ये फूले नहीं और बिस्किट की तरह बने। अब मैंने सब में छेद कर दिए। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसको ऐसे हटाना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनको निकालेंगे तेल में से। अच्छे से गर्म करके फिर बिल्कुल कम करना है। ये देखिए धीमी आंच में ऐसे गोल्डन होने तक इनको तलना है। फिर बटर पेपर से ऊपर ऐसे निकाल लेना है। बहुत ही सॉफ्टी और क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार है। बिल्कुल सॉफ्ट भी है कुरकुरे भी है। ये देखिए आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों को अच्छा लगे तो भी बताना, बुरा लगे गंदा लगे तो भी बताना। ओके दोस्तों बाय।